फिर मैं इत खड़ा हुई ना अंदर वड़िया किस तरह तो मेरे नाल वकील नहीं वड़ सकिया तू किस तरह वड़ तू डंडा लेके अंदर वड़ गया ठीक है ये बताइए इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका क्या किरदार है सर लेकिन जी एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा ही न्यूट्रल होती है सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल कोई दुनिया का कानून इलेक्शन को 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। ये तो शेख साहब से टकराव है शेख साहब सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान आज पार्लियामेंट और अदलिया का भी टकराव इन्होंने शुरू करा दिया ये एक रह गया था काम अदलिया कभी पार्लियामेंट कभी अदलिया से नहीं टकराई इनको लाए इसलिए गया कि मुल्क में एनार्की पैदा और असल टीम सामने आ जाए ये तो किराए के लोग हैं ये किराए के लोग सामने लाए गए हैं चेहरे बदल बदल के और ऑपरेशन और प्लास्टिक सर्जरियां करवा के असल टीम इनके पीछे है जो आएगी शेख साहब मुल्क आईनी बुरान की तरफ तो नहीं जा रहा जा चुका है और डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है बहुत ही करीब है कि ये डिफॉल्ट हो जाएगा इस मुल्क में 24 करोड़ आवाजें हैं जो उठ रही हैं कि इस मुल्क में इंतखाब कराए जाएं और जो कुछ जल्दी में कल इन्होंने किया है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल चाहिए ये इस तरह नहीं कर सकते और आज जजेस ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई आपका मसला सिर्फ ये है कि आपके पास पैसे नहीं है सिक्योरिटी नहीं है और आपके पास अखराजात नहीं है और उसने अगर वो दे दिए जाएं तो फिर आप कहाँ और 6 महीने बाद भी आप बेईमान हो जाएं तो आप कहाँ जाएंगे इनको लाया इसलिए गया है कि इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत का रास्ता रोका जाए इनको लाया इसलिए गया है कि इलेक्शन से फरारी हासिल किया जाए किसी कीमत पर इनको इलेक्शन से फरारी होने नहीं दिया जाएगा कि अमली तौर पर ये खौफ ज़दा है कि ये इलेक्शन लड़ने के आवाम में जाने के काबिल नहीं है और ये बहाने ढूंढ रहे हैं और जो कुछ कल इन्होंने बिल में रात को करने की कोशिश की है वो मुंह की खाएंगे आज अदलिया ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कर दिया है कि ये धमके की चोट से 3-2 का फैसला है और इंशाल्लाह ताला प्रोसीडिंग बड़ी जबरदस्त जा रही है उन्होंने अटॉर्नी जनरल सिंध को भी केपीके को बुलाया पंजाब को भी बुलाया और बेहतर अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया इलेक्शन कमीशन का कोई मसला नहीं उसने तो कहा कि मेरे पास ना पैसे है ना फोर्स है ना माल है ना इंटीरियर मिनिस्ट्री की इजाजत है उन्होंने कहा अगर हम ये दे देते हैं तो फिर क्या करोगे फिर इलेक्शन कराओ वो 6 महीने बाद फिर तुम बेईमान हो जाओगे हमारा एक ही मतलब है कि इलेक्शन कराया जाए देखिए नून लीग ने हमेशा अदलिया के साथ पंगा लिया है मुझे वो दिन याद है जब सुबह यहाँ गवर्नर हाउस में नाश्ता कराया गया और सज्जाद शाह की इदारत में हमला किया गया कल जल्दी जल्दी में ये जो बिल आ रहे हैं अकल के अंधों को पता कि इसके लिए पास कराने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म तमाम अदारों के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा वो बगावत के ज़ुमरे में आएगा और उस पर आर्टिकल 6 लगेगा राणा सनाउल्ला पागल है टाइम ना जाया करे उसका कहीं से साइको इलाज कराए वो पागल आदमी है उसने कोई ना कोई गन करना है वो इस्लामाबाद के काबिल नहीं था वहाँ इसको मसलत किया गया है इंशाल्लाह वो कोई ऐसा काम डालेगा जो इस शहबाज शरीफ के गले पड़ेगा सर आज अदालत ने दोबारा से इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी कर दी है सर और गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म जारी किया देखें इमरान खान इस वक्त 13 पार्टियों से ही नहीं बल्कि तमाम उनके चेलों से लड़ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी में मैंने पलटन मैदान का भी जलसा किया है राजशाही में भी किया है इकवाम मतदा में भी किया है
मैं सोच नहीं सकता था कि मीनारे पाकिस्तान का जलसा कामयाब होगा। जिस तरह कंटेनर लगे थे और लोग जिस तरह पैदल पहुंचे हैं, लोग उसके साथ हैं। शेख साहब, तो इन्हें अदालत सिर्फ इमरान खान पर क्यों लगती है, बाकी को क्यों छोड़ दिया जाता है? वक्त वक्त की बात होती है, इन पे भी लगेगी थोड़े अरसे बाद। देखिए, सिस्टम के खिलाफ तो नहीं, अवाम उसके साथ है। अवाम अगर इमरान खान इलेक्शन की जंग जीत जाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त लोग इमरान खान के साथ हैं और 13 पार्टियों को मीटिंग में बताया गया कि इमरान खान के साथ 71% लोग हैं, पहले 65% थे, और इमरान खान आएगा और छा जाएगा। मुझे ये तो नहीं पता, मेरी दुआ है कि मैं 27वें रियासत मदीना में गुजारा। कबूल करने वाले सर करे ना करे, आवाम की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी कबूल और कबूलियत और दूसरा ये बात का मसला, इस वक्त आवाम में इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है। तो जा रहे हैं कि उनके नाम इमरान खान के नाम पे क्रॉस लग चुका है। क्रॉस छोड़े, अल्लाह की तरफ से ना निकले, बंदे की तरफ से कुछ नहीं होता। अल्लाह कोई देखे जी, अल्लाह की तरफ से बुरा वक्त ना हो तो कोई बुरा वक्त नहीं होता। अगर अल्लाह की तरफ से बुरा वक्त है तो कोई अच्छा वक्त नहीं।